بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد डियर स्टूडेंट्स, आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी उसकी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स कि अब हम उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे कि जब पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव करता है डेट इज एक्स एक्सिस उसको हम आज डिटेल से देखते हैं कि पार्टिकल वन डायमेंशनल में कैसे मूव करता है। लास्ट टाइम हमने जो एनर्जी और मैटर का रिलेशन पढ़ा था वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था साइज ऑफ द मैटर, क्या या मैक्रोस्कोपिक है माइक्रो है क्या है। अगर तो वो मैक्रोस्कोपिक है तो हम कौन सी चीज़ स्टडी कर रहे थे, मेनली पार्टिकल प्रॉपर्टी, जबकि अगर वो मैक्रोस्कोपिक है तो वेव प्रॉपर्टी उसकी क्या है हम स्टडी नहीं कर सकते, मीन वो अनऑब्जर्वेबल है। दूसरा था इंटरमीडिएट, अगर उसका साइज जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो फिर पार्टिकल प्रॉपर्टी भी हम उसकी कुछ हद तक मालूम कर रहे थे और वेव प्रॉपर्टी भी, लेकिन अगर वो स्मॉल है लाइक फोटॉन तो फिर मेनली के फ्यू हम पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी उसकी मेजरली हम क्या कर रहे थे डिटरमिन कर सकते थे। ये हमें बेसिकली इसकी नीड क्यों ज़रूरत पेश आई, वे पार्टिकल या हम कह लें पार्टिकल नेचर की, ऑलरेडी हमने इसमें थ्योरीज में पढ़ चुके हैं जो वे मैकेनिकल मॉडल हमने पढ़ा कि ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट था किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स मिशन वाज इन कन्फ्लिक्ट विद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिनोमेना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये इनका क्या था कन्फ्लिक्ट चल रहा था। द एक्सप्लेनेशन लेड टू द न्यू मैकेनिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया साई जो कि एक वेव फंक्शन था, साई शुड बी सिंगल वैल्यू, साई शुड बी कंटिन्यूस, साई शुड फिनिश आर फॉर ए बाउंड स्टेट, इसको हम फंक्शन जो है वेव मैकेनिकल फंक्शन उसको देखते। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, पार्टिकल इन ए बॉक्स जो कि ए है कि बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल हमारा क्या है एक एक्सिस पर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस जो हम समझेंगे। दूसरा था
जो हमारा नहीं, हाइड्रोजन एटम कैसे मूव कर रहा है, फिर रिजिड मोटर है, और फिर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये चार डिफरेंट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जो डिफरेंट पार्टिकल पर अप्लाई होती हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे जो पहला है, डैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये सादा सी हमने डायग्राम बनाई है एक पार्टिकल इन ए बॉक्स की, कि हमारे पास एक पार्टिकल है। सपोज हमने ये एक लाइन लगाई जो कि है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा। अब हमारा पार्टिकल क्या है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, ओनली इन ए वन डायरेक्शन। ये हमने रीजन को सिलेक्ट किए हैं, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। ये क्या है, वी अल्फा, वी ज़ीरो, ये क्या है, एक्स ज़ीरो और एक्स ए क्या है। अब हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या लिया हमने, एक्स, मूव कर रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसकी हमने लेंथ क्या रखी है, ए। ये जो है कि हमारा बॉक्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी लेंथ हमने कहा ए है, सपोज अलोंग द एक्स एक्सिस। कहाँ से लेकर, कहाँ, ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम लेंथ हमने कहा उसकी ए है। अब वी क्या है, वी बेटा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स। अगर हम इनसाइड द बॉक्स देखें कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, सिर्फ ये डायरेक्शन जो उसकी है, तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि लग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स है ज़ीरो, क्योंकि जो मूवमेंट है उसकी, उस तमाम की तमाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जबकि अगर हम देखें कि ये जो है रीजन वन का बाउंड्री और ये रीजन थ्री की बाउंड्री, ये बाउंड्री पे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर रह सकता है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है पोटेंशियल एनर्जी की वो है वी इन्फिनिटी। इसी तरीके से रीजन वन, तो दोनों के जो कॉर्नर पर जो मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स हम जो ले रहे हैं वो क्या है, इन्फिनिटी, जबकि इनसाइड द बॉक्स उसकी क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि पार्टिकल हमारा जो है कभी भी इस बाउंड्री जो है ये वाली, ये और ये, इसको लीव नहीं कर सकता। तो फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम एवरीवेयर, पोटेंशियल बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो विद इन द क्लोज रीजन एंड इन्फिनिट एवरीवेयर एल्स, कि इसके अंदर अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, जबकि आउटसाइड पे क्या है, अनफिनिट है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, उसकी हमने लेंथ क्या रखी है, ए। ये हमारा जो मूव कर रहा है वो मैक्सिमम उसकी ए है। इनसाइड उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, या हम कह लें कि इन्फिनिट। तो रीजन वन क्या है, आउटसाइड, ये बाउंड्री के बाहर का है। इसी तरीके से रीजन थ्री क्या है, ये भी बाउंड्रीज के बाहर है। तो यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर ही है, तो हमने जब उसकी प्रोबेबिलिटी है वो एक्स ज़ीरो से लेकर एक्स ए के दरमियान ही हो सकती है, उसके लेफ्ट या राइट पे नहीं हो सकती। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी, वो क्या थी, थ्री डायमेंशन में, जब साई स्केयर, साई एक्स स्केयर, साई इज इक्वल टू डेल स्केयर, साई ओवर कर्ली स्केयर वाई, इस तरीके से कर्ली स्केयर, कर्ली जेड स्केयर, साई, ये तीन डायमेंशन में थी, एक्स स्केयर में, वाई में और जेड में, तीन डायमेंशन में। 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये थी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने थ्री डायमेंशन में की थी। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को वार वन डायमेंशनल में चेंज कर दिया, मीन ओनली एक्स एक्सिस में से ले लिया, वाई और जी ख़त्म कर दिया। तो कर्ली स्केयर कर्ली एक्स स्केयर साई प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर,
ई माइनस वी इज इक्वल टू साई। अब हमने रीजन में देखा कि वी जो क्या है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स हमने क्या ली है, जीरो। तो साई स्केयर कर्ली स्केयर साई ओवर कर्ली एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम एच स्केयर ई साई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी की वैल्यू हमने अब क्या कर दी, जीरो ऐड कर दी, कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, जीरो है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कर्ली स्केयर साई ओवर कर्ली एक्स स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर साई इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो बाकी सारा पैरामीटर था, इसको यानी कि ये वाला जो था, इसको हमने समझ लिया कि ये क्या है, लैम्डा स्केयर के बराबर है, 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर। इसको हमने समझ लिया कि ये सारा का सारा क्या है। अब मैं आपको इसकी फर्दर डेरिवेशन करवाता हूँ। मेरे साथ आप भी करते जाएं। कि हमने जो ड्राइव किया था कि लैम्डा स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन आई थी डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई साई विल बी इक्वल टू जीरो। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या ली थी, जीरो, और हमने यहाँ क्या था कि लैम्डा स्क्वायर जो है विल बी इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई। इसको हमने कहा था कि ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर है। आर यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ई विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हमने कहा कि इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब लैम्डा इसमें क्या है, हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर, अब इस सारे की जगह पे हम लिख देंगे लैम्डा स्क्वेयर साई विल बी इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम इक्वेशन ये लिखें कि साई किसके बराबर है, तो साई बेटा है विल बी इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। अब ए और बी यहाँ क्या हैं, ये जो ए और बी, ये दो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं इस पे ऊपर। व्हेन पहली कंडीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो हमने बॉक्स ड्रा किया था ये वाला, तो हमने इसमें रखा था एक्स इज इक्वल टू जीरो और दूसरे में रखा था कंडीशन में एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ वी क्या था, जीरो, और यहाँ वी क्या था, इन्फिनिट। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी।
जब हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं एक्स की ज़ीरो, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी साई विल बी इक्वल टू ए साइन ज़ीरो प्लस बी कॉस ज़ीरो, क्योंकि लैम्डा एक्स दोनों में तो वो क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बेटा जो होता है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो के बराबर है, और अगर कॉस हमारा ज़ीरो हो तो वो किसके बराबर होता है, वन के। तो इसमें हमारे पास फिर साई जो है वो किसके बराबर रह जाएगा, ये सारा पैरामीटर ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्योंकि कॉस ज़ीरो वन के बराबर है तो ये साई विल बी इक्वल टू हो गया बी। तो अब हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली, साई किसके बराबर आ गया, बी, जब हमने बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दस हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, जब इसको हमने इसमें ऐड किया बी इज इक्वल टू ज़ीरो को, तो साई विल बी इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, जो हमने दूसरी ड्राइव की थी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, पहली थी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और साई उस वक्त क्या है, ज़ीरो। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो साई हमारे पास क्या आ गया, साई विल बी इक्वल टू ए साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, साइन ऑफ एंगल इज ओनली ज़ीरो व्हेन द एंगल इटसेल्फ इज ज़ीरो। अब लैम्डा ए क्या है, लैम्डा ए ये बराबर है हमारे पास एन पाई। अब एन क्या है, कोई भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू वन, पॉजिटिव इंटीजर है, 1, 2, 3 और 4 सो ऑन इसकी वैल्यू हो सकती है। तो लैम्डा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन पाई, पाई रेडियन है, ओवर ए। इसी तरीके से अगर मैं इसको कहूँ लैम्डा स्केयर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक हो गया। जैसे हमने वहाँ थी तो सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन बनाई, तो ये लैम्डा स्केयर विल बी इक्वल टू क्या हो गया, एन स्केयर पाई स्केयर ए स्केयर। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी ऑलरेडी जो हमने ड्राइव की थी लैम्डा स्केयर की, तो वहाँ से हम अब इसको कंपेयर करते हैं। उसमें लैम्डा स्केयर जो हमने लिया था, जो पहले इक्वेशन ड्राइव की थी, लैम्डा स्केयर किसके बराबर आया था, 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर। अब इस इक्वेशन में ये जो हमने पीछे ड्राइव किया ये, और ये दोनों को अब हम बराबर रखते हैं, तो इसका मतलब है 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर विल बी इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। तो ई एन की वैल्यू निकालते हैं फॉर फंक्शन एंथ एनर्जी लेवल के लिए, अगर हम करें इसको तो देखें यही भी पाई स्केयर है तो ये भी पाई है, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो ये रह जाएगा एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8 एम ए स्केयर। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी की जब वो एंथ लेवल पर होगा। तो ये हमारे पास एन क्या है, एन बेसिकली उसका क्वांटम नंबर है, ठीक हो गया, जिससे हम करेंगे कि एन कैन नॉट बी ज़ीरो हो सकता, क्यों, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी में है, एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 हमने उसकी कहा। तो अब हम क्या करते हैं, एनर्जी इक्वेशन को कॉरस्पोंड करके इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो पहले हमने निकाली थी साई एन
विल बी इक्वल टू ए साइन, अब लैम्डा की जो हमने कीमत की थी वो उसमें पुट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एन पाई, जो हमने इक्वेशन ली थी एन पाई ए एक्स, क्यों हमने लैम्डा की जो इक्वेशन ऊपर ली थी ज़रा देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि हमारे पास थी ए साई लैम्डा एक्स, तो लैम्डा की कीमत हमने एन पाई ओवर ए इसमें क्या कर दी है, ऐड कर दी है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी करना चाह रहे हैं फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स, और मैक्सिमम क्या होगा कि पार्टिकल की जो हम कहेंगे वो अगर देखना चाहेंगे कितनी होगी मैक्सिमम इनसाइड द बॉक्स, तो कितनी होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होगी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यूनिटी के बराबर, के एक के बराबर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट लगाई हमने 0 से लेकर ए, ये क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, 0 से लेकर ए, क्योंकि बॉक्स की ये लेंथ है मैक्सिमम ए, तो ये हमने लिमिट लगा दी। फंक्शन लिया साई एन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यूनिटी के बराबर, कि हमने समझा कि हमारा जो पार्टिकल है प्रोबेबिलिटी अब उसकी हम फाइंड करते हैं, तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन द बॉक्स क्या होगी, यूनिटी होगी। तो अब हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कर ली, और अब हम साई स्क्वायर की वैल्यू इसमें ऐड करते हैं, लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, लिमिट है 0 से ए, अब इसकी कीमत क्या है साई एन की, ए साइन एन पाई ए एक्स, अब इसका क्या हो गया स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यूनिटी। अब हमने क्या किया, ए कांस्टेंट है तो ए को हमने बाहर निकाल लिया, तो ए स्क्वायर लिमिट 0 से ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ए डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि ए क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं, तो उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। अब यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद करने के लिए हैं, कि साइन स्केयर जो बेटा है, साइन स्केयर अगर अल्फा हो तो इसका जो बेटा इंटीग्रेशन है वो है 1/2 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक हो गया, ये हमने इसकी इंटीग्रेशन लिख ली, कि इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर, इसको याद कर लें ट्रिग्नोमेट्री में ये उसके बराबर है। तो यहाँ से हमने फिर क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो अब इंटीग्रेट में हमने क्या लिया, 1/2 था इसका, ये वाला इसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए स्केयर, और इसके साथ हमने लिख दिया ये 1/2 बाहर, इंटीग्रल हम लिया 0 to a, अब ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस cos 2 n पाई x a डी एक्स इक्वल टू 1, वो साइन स्केयर किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2 पाई, तो ये फार्मूले को हमने यूज़ करके साइन को कॉज में चेंज कर दिया, तो ये हो गया ए स्केयर ओवर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट, एक जो होता है जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, उसके ऑपोजिट वर्ड्स है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया एक्स, ठीक हो गया,
माइनस। अब कॉस टू पाई एन एक्स का जो है इसका अगर हम देखें तो वो होता है वन ओवर ए, जैसे इंटीग्रेशन बेटा अगर हम लिखना चाहें इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स अगर हो तो ये किसके बराबर होगी, तो ये बेटा 1/a साइन ए एक्स इसके बराबर होगी। तो अब हमने यहाँ लिखा है कॉस टू एन